और मैं ये कह रहा था
इस नेमत की हमने कदर करनी है और इस नेमत के साथ हमने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। दुनिया में चंद कवानीन है, एक लॉजिक को जरा सामने रखते हुए, मंतक को सामने रखते हुए अगर देखा जाए ना, तो इंसान की तबीयत ये है कि वो किसी की तरफ मायल होने से पहले चंद चीजें नोट करती है, किसी से मोहब्बत करने से पहले कुछ चीजों को मद्देनजर रखती है। ये इंसानी कुदरत का तकाजा है, इसमें इंसान का कोई जाती फेल या अमल मौजूद नहीं। एक तबीयत और फितरत की बात है कि इंसान किसी को अच्छा समझता है, बाज़ोता उसके इल्म की वजह से अच्छा समझता है कि फुला आलिम आदमी है, मैं निस्बतन कम इल्म वाला हूँ, मुझे इससे मोहब्बत करनी चाहिए। इल्म की वजह से लोग दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लोग आलिम से मोहब्बत करते हैं। जब मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में चलते हैं, हमें पता यह चला कायनात के आलिम अपनी जगह मुस्तफ़ा करीम का इल्म में भी कोई सानी मौजूद नहीं। मैं अपनी छोटा नहीं छोड़ रहा या बिला दलील कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा, माज़ अल्लाह, जिसकी कोई दलील ना हो, मुस्तफ़ा करीम का इल्म वो इल्म है। ये बहुत लंबा उनवान है, बहुत लंबा मौजू है, मैं सिर्फ एक आयत का इशारा देकर आगे निकल जाऊंगा। अगर इल्म मुस्तफा को आपने जानना है, कुरान करीम उठाइए, 27वां पारा खोलिए, उसमें अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। किसी का उस्ताद ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ होता है, कोई अपनी कैम्ब्रिज की डिग्री पे नाज कर रहा है, कोई जामियातुल अज़हर में पढ़कर समझ रहा है, ये बड़े फख्र की बात है। कोई मदीना जामिया मदीना में पढ़ रहा है, कोई जामिया इस्लामिया में पढ़ रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लोग पढ़ते हैं, इस पे फख्र करते हैं। मुस्तफा करीम का उस्ताद कौन है? अल्लाह ने फरमाया रहमान। कैम्ब्रिज की डिग्रियां बड़ी अजीम होंगी, उनकी बड़ी वैल्यू होगी, बड़े बड़े यहाँ दुनिया में होंगे, लेकिन मुस्तफा करीम का उस्ताद कोई और नहीं, रहमान को। अब आप मुझे बताएं, हमारा कानून है इस दुनिया में नहीं कि जितना कामिल उस्ताद होगा शागिर्द भी उतना ही कामिल होगा। कहते हैं कि फलां बंदे का उस्ताद बड़ा तगड़ा है, इसके पास कोई गुर है। हम अपने मिस्त्रियों के छोटे छोटे मामलात में, अगर हम छोटे छोटे मामलात में उस्ताद को इतना दर्जा और वैल्यू देते हैं, मुस्तफा करीम का सारा इल्म पढ़ाए खुदा का। तो जो बंदा, मैं आपको एक बड़ा बड़ा मौजूम किस्म का कानून दे रहा हूँ, जो बंदा इल्म मुस्तफा पे अपनी जुबान खोल ले, फौरन कह दीजिए कि ये तू हुजूर के बारे में बात नहीं कर रहा, रब की उस्तादी पे गर्व कर। आज अगर कोई मापने की कोशिश करे ना, तो हुजूर की शागिर्दी पे नहीं, रब की उस्तादी पे बात करे। फरमाया इल्म मुस्तफा वो है जो अल्लाह रब्बुल जलाल ने कल्ब मुस्तफा पे खुद नाज़िल फरमाया। और अगर इल्म की वजह से मोहब्बत करनी है, तो इल्म का सारा मलजा और मावा और इल्म का काबा और इल्म का समंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारा। दूसरी बात इंसानी तबीयत के अंदर ये है कि बाज़ औक़ात हमें कोई बंदा अच्छा लगता है अपनी आला सीरत या किरदार की वजह से, या इल्म की वजह से अच्छा लगता था, या किरदार की वजह से, अपनी सीरत की वजह से। कहते हैं ना, बंदा जीदार बड़ा है, मोहल्ले में बड़ा जीदार है, बड़ा सोना बोलता है, उसका अखलाक बड़ा अच्छा है। आइए, इस बारगाह का अखलाक चेक करना है। मैं बाहर से मिसालें इसलिए नहीं दे रहा, कोई बंदा कहेगा ये मेरे नजदीक मुअतबर है, कोई कहेगा नहीं, मैं बात कुरान के अंदर से कर रहा हूँ। आइए, सीरत मुस्तफा का हवाला चाहिए, 29वां सिफारा को लिए, सूरह नूर के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये ऐलान फरमा दिया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ मुस्तफा करीम आपके अखलाक की गवाही आपका रब दे रहा है। इमाम
अपने मोहब्बत ने क्या फरमाया, तेरी जात को हक ने जमील कहा, तेरी खुल्क को हक ने अजीम कहा, कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक के हुस्न मदार की कसम। तो ये मुस्तफा करीम का अखलाक और इतना मोतबर अखलाक और इतना अजीम अखलाक जिसकी गवाही रब का कुरान पुकार पुकार कर देता है। तो ये दूसरी बात, मैंने जो कि मुख्तसर वक्त में आपको सिर्फ इशारे देते जाना, आज इतना लंबा मौजू छेड़ने का वक्त और उमान नहीं है, मुख्तसर अंदाज में तीसरी चीज मैं बताऊं, हम बस उस्ताद लोगों से उनके हुस्न की वजह से भी मोहब्बत कर लेते हैं ना जी। कोई बंदा चेहरा बड़ा प्यारा लगता है, बंदा कहते हैं क्या धूल है चेहरे, क्या खूबसूरती है, मोहब्बत हो जाती है। ये फितरत का तकाजा है, इंसान को अल्लाह हफ़ीज़ुल जलाल ने ये वदियत दी है, तबीयत के अंदर ये चीज रख दी है कि इंसान हुस्न की तरफ मायल होता है। हम कपड़ा जब लेने के लिए जाते हैं बाजार, वो कपड़े सामने रखते हैं, निस्बतन खूबसूरत कपड़ा हम इख्तियार करते हैं, छोटी छोटी चीजों में हसीन चीजों को अपने लिए इकट्ठा करते हैं। ये इंसान की फितरत का तकाजा है। आइए बड़े मुस्तफा में हाजिर होते हैं, हुस्न का मंजरनामा खोलिए। हजरत जाबिर बिन समूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, कहने लगे मैं एक पूरे चांद की रात हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। कहने लगे मैंने आपके गुजरा मुबारक पे दस्तक दी, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे काम है, रात का पहला पहर था, इशा के बाद का कोई वक्त होगा। कहने लगे मैंने गुजरा मुबारक पे दस्तक दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन है, अर्ज किया रसूलुल्लाह जाकर हाजिर हुआ हूं। हुजूर ने इरशाद फरमाया मैं आ रहा हूं। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुजरा मुबारक से बाहर निकले, आपके ऊपर सुरख रंग का जिब्बा मुबारक था, अलैहि हुल्लतुन हमरा, रसूलुल्लाह ने सुरख रंग का जिब्बा पहन रखा था। और जब बाहर तशरीफ लाए, अब मेरे सामने मंजरनामा ये था कि एक नजर मुस्तफा करीम के चेहरे को देख रहा था, दूसरी नजर में चांद को देख रहा था। कहने लगे मैंने फिर हुजूर को देखा, फिर चांद को देखा, वलहु इंदी अहसनु मिनल कमरी। जाबिर ने कहा ए मोहम्मदी, अपना सीना खोल के मेरा ये जुमला उसमें समो ले, मैंने चांद को भी देखा है, मुस्तफा के चेहरे को भी देखा है, वल्लाहि चांद आपके चेहरे के सामने मान पड़ेगा। मालिक फरमाते हैं, किसी ने पूछा अनस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नजर आते थे, तबीन के अंदर ये शौक हुआ करता था कि हम आपके चेहरे के बारे में पूछे, आपके अंदाज के बारे में पूछे, हम ये पूछा करें कि आप गलियों में चलते कैसे थे, आप मजलिस में मुस्कुराया कैसे करते थे। किसी ने पूछा कि जमाले मुस्तफा की एक छोटी सी झलक तो बताओ, अनस बिन मालिक फरमाने लगे अक्सुल आइनैनि बिगैरि बुहदिन, कि मैंने हुजूर की आंखों को हमेशा देखा है, आप सुरमा नहीं भी पहना होते थे, आपकी आंखें ऐसे नजर आती थी जैसे आमिना के लाल ने अभी अभी सुरमा पहना, इतनी खूबसूरत आंखें। यहाँ पर भी इमाम मोहब्बत कुर्बान जाऊं क्या खूबसूरत उन्होंने जुमला कह दिया, कहने लगे हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र ने अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे बरदाने अरब, या रसूल अल्लाह वहां जमाले यूसुफ था, अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने यूसुफ को जो हुस्न अता फरमा रखा था उसका कमाल ये था, आप औरतों के सामने आए, मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी, लेकिन हुजूर का जमाल तो ये है, देखने वाले तो देखने वाले हैं, आज का मुसलमान भी अपनी जान हथेली पे रख के और ये नारा लगा रहा होता है या रसूल अल्लाह मेरी छोटी सी जान आपकी नामूस पे कुर्बान हो जाए, इससे बड़ा मेरे लिए फखर की कोई बात नहीं। जंगे ये मुंह का हवाला बोलिए,
मैं एक बड़ी खूबसूरत आपको बात सुनाने लगा हूं। जंगे यहूद का हवाला खोलिए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब जंगे यहूद को मुसैलमा इब्ने कज़्ज़ाब के खिलाफ जो जंग हुई थी, मुसैलमा इब्ने कज़्ज़ाब के जो मानने वाले थे वो खुद को मुसलमान कहते थे। जैसे हमारे यहाँ माशरे में कादियानी लोग थे, बज़ाहिर वो मसीही हैं लेकिन खुद को मुसलमान कहते हैं, कागजात में ये शो करते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी रब को एक मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का बज़ाहिर इकरार भी करते हैं लेकिन अंदर से डंडी मारने के लिए खत्मे नबूवत का इकरार कर दिया। अब कागजी तौर पे डॉक्यूमेंट्स में वो काफिर हैं, वो उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं लेकिन उन्होंने अपना नाम मुसलमान शो किया हुआ है। मुसैलमा इब्ने कज़्ज़ाब को मानने वाले लोग भी ऐसे थे, वो खुद को मुसलमान कहते थे, खुद को जन्नती समझते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, कुरान भी बड़ा ऊंचा ऊंचा पढ़ते थे, जुब्बा कुब्बा भी बड़ा टाइट रखते थे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला कुर्बान जाऊं आपकी ज़ात पे, आपने अपना लश्कर तैयार किया, जब लश्कर भेजा तो कहने लगे कि जाओ जाकर उनसे जंग करो। सहाबा ने एक छोटी सी मीटिंग की, इमामुद्दीन इब्ने कसीर अब रिवायत और निहाया में ये वाक्या नकल कर रहे हैं कि मुसलमानों ने जब मीटिंग की, मीटिंग में ये बात मद्देनजर थी कि हम मुसलमान हैं, मद्दे मुकाबिल भी अपने आप को मुसलमान समझते हैं, हम कहेंगे यहाँ से हम नारे तकबीर लगाएंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, सामने वाला फरीक भी खुद को मुसलमान कहता है, अब वो भी अल्लाहु अकबर कहेंगे, अपने का पता कैसे चलेगा, जीरा पहनी हुई है, लिबास एक जैसा है, जंग हो रही है, मैं भी अल्लाहु अकबर, फरीके मुखालिफ भी अल्लाहु अकबर। इमामुद्दीन इब्ने कसीर ने ये लिखा है, कहने लगे वहां पे एक कोड वर्ड मुतय्यन हुआ, सुनियो जरा जाग के मेरी बात सुनना। हजरत खालिद बिन वलीद ने कोड वर्ड मुतय्यन किया, कहने लगे अल्लाहु अकबर वो भी कहने वाले हैं, अल्लाहु अकबर हम भी कहने वाले हैं, फर्क नहीं बचेगा, यहाँ फर्क की बात आए वहाँ हम मुस्तफा करीम का हवाला लेकर आएंगे। खालिद बिन वलीद ने झंडा उठाया, ऊंची जगह पर टीले के ऊपर चढ़ गए, मदीने की तरफ मुंह करके कहने लगे या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। अब ये ना उस वक्त मुतय्यन हुआ था सहाबा के जमाने में कि पता चल जाए अपना कौन है और पराया कौन है, ये खालिद बिन वलीद ने नारा लगाया। आपके पास आप हवाला आ गए तो नहीं आ गए, कोई कहे ना जी ये पिछले 20 साल से पहले नहीं था, उसको बताएं ये जंगे यरमूक में, जंगे यमामा में मुसैलमा इब्ने कज़्ज़ाब के खिलाफ भी या रसूल अल्लाह का नारा लगाया। इसलिए ये पहचान है कि मुस्तफा करीम के साथ जिसकी निस्बत और ताल्लुक जितना मजबूत होता जाएगा वो अल्लाह का भी इतना ही बरगुजीदा होता जाएगा। इस निस्बत के हवाले से बड़ी खूबसूरत बात हजरत शेख सादी शेराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने गुलिस्तान के अंदर बयान की है। कहने लगे मैं एक मर्तबा अपना वाकया सुनाते हैं, कहने लगे मैं एक मर्तबा ना वॉशरूम गया, उस जमाने में कच्चे हमाम हुआ करते थे, वॉशरूम पब्लिक टॉयलेट हुआ करते थे। कहने लगे मैं एक मर्तबा ना पब्लिक वॉशरूम गया, वहां पर ढेले पड़े हुए थे जिनसे लोग इस्तिंजा करते थे, आम मिट्टी के ढेले वहां रखे गए थे। कहने लगे मैंने जब इस्तिंजा कर लिया तो मुझे अचानक महसूस हुआ कि ढेले के अंदर से खुशबू आ रही है, जो मेरे हाथ में एक ढेला था तो मुझे उससे खुशबू आई। अब शायर है उसको जरा अपना तखयल में ले गए, कहने लगे कि मैंने ढेले से पूछा कि तुम तो यहाँ वॉशरूम में पड़े हो, ये बदबूदार जगह है, बंदे यहाँ कजाए हाजत के लिए आते हैं, अपना इस्तिंजा करने के लिए आते हैं, बड़ा वॉशरूम करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के ढेले से खुशबू आना ये अजीब बात है। कहने लगे वो ढेला मुझसे मुखातिब हुआ तो कहने लगा बगुफ्ता मन गिले ना चीज बुदम बलेकिन मुद्दते बाकुम नशिस्तम जमाले हम नशी कर मन असर कर बगरना मन हमा खाकम के हस्तम। कहने लगा ढेला मुझसे मुखातब होकर कहने लगा मैं ना चीज ढेला हूँ, कच्ची मिट्टी मेरी औकात है, मैं वॉशरूम में पड़ा हूँ, ये गंदी जगह है, आंधी को मुझसे बदबू चाहिए लेकिन मेरी निस्बत कुछ दिन फूल के साथ रहती है, मेरे अंदर से फूल पैदा हो गया था, ये
मेरी उसके साथ निस्बत और ताल्लुक हो गया, मुझे उस निस्बत की वजह से उसने भी अपनी खुशबू में रंग दिया। आप मुझे बताइए कि ईमान वाले से मुस्तफा करीम की खुशबू आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? यहाँ गली से कोई गुजरे पता चले ये मुस्तफा भी जा रहा है। मक्का शरीफ में एक मर्तबा अबू जहल कचहरी लगाया करता था, चौधरी था ना अपने इलाके का बड़ा चौधरी, उसके पास कुछ ताजर बैठे थे, डील हो रही है, शामी ताजर थे, डील हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। तो आप में से अक्सर लोग कारोबार से ताल्लुक रखते हैं या शहरदारी में, तो आपको पता है जब बहस की बात साथ तिजारत की बात हो रही है, किसी किस्म की इंटरप्शन या अंदर से कोई बात है वो बड़ी बुरी लगती है। कारोबार की बात तय हो रही है, सौदा हो रहा है अबू जहल के साथ ताजर का, दरवाजा खुला हुआ था बैठक का, तो गली में से अब्दुल्लाह इब्ने मसूद गुजरे, माशाल्लाह सिर्फ गुजरे, यूं गुजरे और गुजर गए, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद गुजरे। अब वो जो ताजर बैठा था ना अबू जहल से बातचीत कर रहा था, अचानक बोला चुप कर चुप कर, अपने सौदे की बात बंद कर, बताओ ये कौन गुजरा? अबू जहल ने कहा यार मैं हैरान हूँ, हम बात कर रहे हैं इतने बड़े डील की, एक काफले की, पूरी तिजारत की, ट्रेड की बात कर रहे हैं, ये बजा है छोटे कद वाला आदमी, ये बजा है पूरा सुना कद है, पुराने से कपड़े हैं, पक्का सा रंग है, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के बारे में आता है, पक्का सा रंग है, पूरा सा कद है, इसके अंदर तुमने क्या देख लिया? वो कहने लगे मुझे बताओ तो सही ये है कौन? अबू जहल कहने लगा यहाँ अभी अभी नबूवत के दावेदार जो मोहम्मद है ये उनका पैरोकार है। कहने लगा ये आम आदमी नहीं, ये बड़ा खास आदमी है। आप मुझे बताइए दिल पे हाथ रख के हम में से वो खुशबू आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? वो खुशबू तब आएगी जब मुस्तफा करीम की इताअत और फरमाबरदारी और आपकी हर हर सुन्नत को हम अपने ऊपर लागू करेंगे। हम ये दावेदार हैं, हम अलग ऐलान कहते हैं कि हम मोहब्बत रसूल में जान भी कुर्बान कर सकते हैं, तो क्या हुजूर की बताई हुई सुन्नतों पे अमल नहीं कर सकते? तकाजा ये है, मैं अर्ज ये कर रहा था कि मोहब्बत की जाती है, मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब की हर हर अदा पे अपनी जान फिदा कर दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला बड़े जलील कदर सहाबी हैं, बड़े उस्ताद आलिम हैं, उनके पास हदीस पढ़ने के लिए तालीम की एक जमात हुआ करती थी, हमेशा साथ कुछ शागिर्द रहते थे, पास सहाबा सहाबा इकराम की जमात में से ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा उस्तादी शागिर्दी वाला तरीका अपनाया है, जैसे हजरत अनस बिन मालिक थे। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साथ भी कुछ इस तरह के शागिर्द लोग मौजूद होते थे, वो उनसे सीखा करते थे। एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्न मसूद असर के बाद मदीना मुनव्वरा से बाहर निकले, शागिर्द भी जिस तरह आदत के मुताबिक उस्ताद के पीछे हो जाते हैं या मुर्शिद के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, कुछ शागिर्द भी साथ आ गए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद आबादी से बाहर निकले, एक छोटा सा टीला नजर आया, उसके ऊपर अपनी ऊंटनी को यूं चक्कर दिया और वापस चल पड़े। शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर आप कोई ऐसा काम नहीं करते जो लायानी हो, जिसका कोई मतलब ना हो, आप हमेशा काम के करने वाले काम करते हैं, आप अपना टाइम जाया नहीं करते जिस तरह मैं और आप टिकटॉक पे टाइम जाया करते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद अब्दुल्लाह इब्ने उमर तो अपना टाइम नहीं जाया करते थे, क्योंकि उनके सामने हुजूर का फरमान था बिन हुस्नि इस्लाम अल मर्इ तर्कुहु मा ला यहदीहि, मुसलमान के इस्लाम का निखार ये है कि वो अपना वक्त जाया ना करे, यानी काम ना करे, ये हुस्न है इस्लाम का। हुजूर ने फरमाया उसका अच्छा इस्लाम है जो अपना वक्त भी जाया नहीं करता, लायानी काम भी नहीं करता, मुंह से यावा गोई भी नहीं करता, काम की बात करता है, वक्त भी जाया नहीं करता। ए अब्दुल्लाह इब्न उमर आप बताइए, आप मदीना से बाहर निकले, आपने एक टीले का चक्कर लगाया और वापस आ गए। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे एक मर्तबा यही टाइम था मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी ली,
आप बाहर निकले, आपने इसी टेले का यूं चक्कर लगाया, मैंने भी पूछा आपने ये क्यों किया है, मैं तो फर्ज़े मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। मैंने पूछा कि हुजूर आपने क्यों किया है, मेरे महबूब ने किया था, मैं नहीं करता। मोहब्बत का तकाजा क्या है कि महबूब की सुन्नत से आंखें बंद करके अमल करना शुरू कर दे और अपनी निस्बत हुजूर से जितनी मजबूत कर सकते हैं करें, क्योंकि हुजूर के पास एक सहाबी आया, इस बात की गवाही अनस बिन मालिक ने दी है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अनस बिन मालिक फरमाते हैं हम बैठे थे, हुजूर के पास एक आदमी आया, आप कहने लगा मतसअत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी। अब अनस बिन मालिक फरमाते हैं हम हैरान हो गए, ना सलाम ना दुआ, ना कोई हुजूर को दुआ के लिए कह रहा है, ना कोई मसला पूछ रहा है, अचानक इतना अजीब सवाल, या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी। आपने फरमाया तुमने कयामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है, रावी कयामत के लिए क्या तैयार कर रखा है। थोड़ी देर सोचने लगा, जब आदमी था मेरी तरह गांव का होगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, थोड़ी देर सोच कर कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं बहुत अच्छे काम भी कोई नहीं करता, नमाज भी पढ़ लेता हूँ नहीं पढ़ता, अच्छे काम भी कोई नहीं है, अखलाकी तौर पर भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। या रसूल अल्लाह इसके अलावा कोई तैयारी नहीं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं जब हुजूर ने ये सुना आपका चेहरा चमक उठा, कहने लगे अल मर्उ मा मन अहब्ब, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे मैं तुझे ये जमानत देता हूँ तू मुझसे मोहब्बत करता रहे, अल्लाह तुझे कयामत में भी मेरी सोहबत अता करेगा। आप में से मुअज्जज तरीन वो है और खूबसूरत तरीन वो है जो मुस्तफा के ज्यादा से ज्यादा करीब है, चाहे वो मोहब्बत करके है, चाहे वो सुन्नतों पे अमल करके है, चाहे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिर सुन्नत अपना ले, ये भी खूबसूरती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं हौज कौसर पे तुम्हें मिलूंगा। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला को इस हदीस के रावी हैं, कहने लगे अबू सईद खुदरी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विसाल मुबारक से कुछ अर्सा पहले हमें मस्जिद से इकट्ठा किया, इकट्ठा करके हमें इरशाद फरमाया कि अब जुदाई का वक्त आ गया है, अब मैं जाने वाला हूँ, अब मुलाकात हौज़े कौसर पे होगी। हजरत अबू सईद फरमाते हैं कि आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे एक डाउट है, मुझे एक सवाल है। पूछा क्या बात है पूछो, कहने लगा हौज़े कौसर पे इतनी मखलूक होगी। आप अबू सईद का चेहरा भी जानते हैं, अबू हुरैरा का चेहरा भी जानते हैं, अबू बकर सिद्दीक का चेहरा भी जानते हैं, अली मुश्किल कुशा का चेहरा भी जानते हैं, या रसूल अल्लाह जो बाद में आपकी उम्मत आएगी आप उनको कैसे पहचानेंगे, इतना रश है भीड़ है आप अपने उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे। हुजूर ने फरमाया मेरे उम्मतियों के वो आज़ा जिन पे वो वुज़ू करते हैं वो चमक रहे हैं, वहां से पहचानूंगा कि ये मेरा जो मेरा आ रहा है उसको हौज़े कौसर का जाम भी अता करता है। इसलिए अपना ताल्लुक मजीद मजबूत कीजिए, हुजूर की बारगाह के साथ जितना जुड़ सकते हैं जुड़ जाइए और अपने अंदर खूबसूरतियां पैदा कीजिए। माशरे को इस वक्त खूबसूरतियां फैलाने की जरूरत है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये फरमान मैं आम तौर पे अपनी गुफ्तगू में बयान किया करता हूं। आपने फरमाया हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे रास्ते में कोई कांटा रखे तुम भी कांटा रखोगे दुनिया तो कांटों से भर जाए। मजा उस वक्त है जब अपने आप को मुस्तफ़ी कहते हो, अपनी निस्बत हुजूर से जोड़ते हो, उनका तो फरमान ये है
سلمان قطع خا ضعفوا عنا مزرمك واسدنا من سائلك خوبصورتي تو یہ دے تیرے راستے میں کوئی ڈانٹا رکھے واپسی میں پھول رکھ کے دکھا محمدی ہونے کا نہ دیتا جو کانٹا رکھ رہا ہے واپسی میں پھول رکھ کے دکھا یہی میرے محبوب الہی پاک کا سبق ہے یہی آپ سب نسبت والوں کی جھولی میں میں ڈال رہا ہوں اللہ کریم سے دعا ہے ہمارا آنا ہمارا ذکر و اذکار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وما توفیقی الا بالله العلی العظیم